अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नदा गोट फार्म। तो टाइम अगर आपको बताऊं, 11:18 भिवंडी जा रहे। अच्छा एक चीज़ और कि आज रात में जा रहे क्योंकि कुछ शूट है, तो आपको दिख जाएगा। आज का जो है एक माइलेज टेस्ट करेंगे बाइक का। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो देखो, ऊपर तक है पूरा पेट्रोल, ठीक है। अब ट्रिप्स ज़ीरो कर देंगे पूरी, और आपके सामने ये भी करेंगे। ये जो पूरी ट्रिप है अभी से भिवंडी जाने से लेके रिटर्न आने तक, ये बाइक वाला ब्रिज है, ये ब्रिज पे स्टार्ट हुई है, ये पंप पे वीडियो ख़त्म होगी। तो मैं दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे, ये सब तो ट्रिप ए है, इसको ज़ीरो कर देते, ठीक है। ये एवरेज ज़ीरो, ये ट्रिप बी है, इसको भी ज़ीरो कर देते, ठीक है। तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया है, और इतना किलोमीटर कुछ अपनी बाइक चल चुकी है, 2088। तो अभी स्टार्ट कर रहे, देखते हैं आज कितना किलोमीटर होता है, फिर आके बाइक वापस फुल कराएंगे, तो एक एवरेज मालूम पड़ जाएगा कि कितना एवरेज होगा। और हो सकता है ऑडियो का थोड़ा सीन हो, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, जैसे आप देख सकते हैं रोड गीले हैं। आज तो खैर इतनी हुई नहीं बारिश, तो उसके चलते अपना माइक अगर मैं लगाऊंगा इसमें ना, एक्शन कैमरा में जो DJI का है, तो कोई भी एक्शन कैमरा, DJI का बोलो या GoPro का बोलो, अगर जब उसमें एक्सटर्नल माइक लगा देते तो फिर ऐसा होता है कि वो उसके बाद वाटरप्रूफ नहीं रहता है, ठीक है। और ये आते महंगे, तो इसके चलते थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऑडियो हो सकता है मैं एडिटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं, लेकिन थोड़ा सा विंड नॉइस आएगा, तो हो सका तो संभाल लेना वो चीज़। और बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है, तो ये बातें थोड़ी सी जो बातें हैं, देखो अभी मेरे को थोड़ा बाहर निकलने दो, अपने एरिया में ही हूँ, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलता हूँ, खुला रास्ता आने दो, हाईवे आने दो, फिर आपको बताएंगे आगे की बात, ठीक है, मिलता हूँ एक सेकेंड में। अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि माइलेज टेस्ट तो हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्नल पर बंद कर देंगे और अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि कुछ हो सके। मैं एवरेज जो मेरी स्पीड रहती है नॉर्मली 60, 70, 80 मैक्स, ठीक है, कभी कभार भगा लेते थोड़ा, लेकिन बहुत रेयरली होता है। इतनी बार गया उस टूट पे, एक ही बार ऐसा हुआ है जब 110, 120, 130 तक बाइक गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा स्लो चलाएंगे, जो नॉर्मल राइडिंग स्टाइल है वही रहेगी जैसा यूजुअली चलाते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ा के नहीं बता रहे, जितना आ रहा है उतना आ रहा है। 250 cc बाइक के हिसाब से जो भी आएगा देख के बताएंगे, लेकिन मैं बता दूँ एडवांस में जो एवरेज स्पीड है वो अपनी रहती है 60, 70 और 90, 80, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को लगता नहीं है 80 के लिए रास्ता मिलेगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं रास्ते गीले हैं, और गीले रास्तों में बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना लोगों को कि किसी किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा संभालते या डरते बोल सकते हैं, तो गीले रास्ते से मेरे को नहीं मज़ा आती है बाइक चलाने। लेकिन अब ऐसा है कि अगर बाइक पर नहीं गया और कार में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को पहुँचने, तो इसके लिए बाइक पे। किलोमीटर बता दूँ, 4 किलोमीटर हो गए अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा समझो, हवा बहुत है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरे को लगा के रिस्क में नहीं डालना है। इसके लिए मेरे पास और कोई माइक वायर्ड वाला है नहीं, अभी मेरे पास जो है वो DJI का ही माइक है, जो वायरलेस माइक आता है जिससे वीडियो शूट करते हैं। और एक चीज़ है, देख सकते हैं, देखो ना ये जो लाइट है HJD की मिनी ड्राइव, ये यार ब्लिंक कर रही है अचानक, मालूम नहीं क्यों, अगर देखे होंगे तो अभी करी थी ब्लिंक, यहाँ पे आपको दिखेगा साइड में, ये जैसे बंद होने के इस पर आ गई है शायद, ये ख़राब होने पे, तो ये ब्लिंक कर रही है। तो बाहर ही डूबी भी नहीं है बराबर, मतलब जितनी हुई, और मोस्टली बाइक गैराज में रहती है रात में, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि बाइक बाहर खड़ी है गैराज में नहीं लग रही है, बाहर लगाते हैं इसको, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल तो चल रही है,
अभी एक और खर्चा नहीं आ जाए सर पे कि एक और फिर लाइट लेके लगाओ। तो ऑल सेट, अभी अब रेनकोट पहन लिया गया है और अब उम्मीद है कि बारिश आएगी, नहीं तो गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं ट्राई तो करूँगा कि एडिटिंग के टाइम जितना हो सके विंड नॉइस अगर कम कर सकूँ या कुछ ऐसा तो बताओ। और ये देखो लाइट देखना, अभी देख रहे हो कि गई है, ये जाएगी, ये नहीं रुकेगी, ये जाएगी, खर्चा कराएगी, नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़, ये जो लुक आ रहा है थोड़ा बहुत कैसा है, अभी देखो यहाँ पे फ़ोन नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो फ़ोन लगा के ख़राब नहीं करना है। चैनल मोनेटाइज है लेकिन इतना भी नहीं कि मैं फ़ोन दिखा के ख़राब कर दूँ, तो फ़ोन हटा दो। लेकिन इमेजिन करना कि इधर फ़ोन है और ये लाइट, तो एक व्यू अच्छा आ रहा है तो मेरे को बताना कि अगर व्यू अच्छा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो आगे की तरफ देखते हैं। और देखो मैं कभी मोटो व्लॉग देखता हूँ किसी का भी, तो मैं तो ट्राई करता हूँ, मतलब बाइक पे भी ध्यान रहता है मेरा कि व्यू कैसा आ रहा है डैशबोर्ड का, वो भी अच्छा ही दिखना चाहिए ना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना जो डैश है वो अच्छा लगे। ये भी लगाया गया है, आता नहीं है, ये लगाया अलग से, तो बताना कि व्यू कैसा आ रहा है, तो देखने में सही लग रहा है ये देखो ऐसा, ठीक है। और किलोमीटर्स अगर अभी आपको बताऊँ तो ओके अच्छा 16.6 किलोमीटर हो गए अभी तक घर से निकल गए, मतलब वो पेट्रोल पंप से निकल गए, और वहीं पे एंड होगी वीडियो, वहीं पे एंड होगी। आपको बताएंगे कितने का पेट्रोल लगता है। अब वीडियो की स्टार्ट में अगर देखे रहेंगे तो 60 या ऐसा कुछ किलोमीटर चला चुका था मैं, ठीक है। तो 230 का पेट्रोल गया और फुल टैंक हो गई बाइक। तो अब वापस जाएंगे जब, तो अब आपको कैमरे पे दिखाएंगे कि कितने का पेट्रोल जा रहा है और कितना लीटर आ रहा है, और फिर कैलकुलेट करेंगे और आपको बता देगा। अच्छा एक इसमें एवरेज का भी फीचर है कि ये फ्यूल इकोनॉमी बताएगी, तो वो भी मालूम पड़ जाएगा कितनी एक्यूरेट है या कितना आगे पीछे वो बता रही है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट कर सकूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो, थोड़ा रास्ता भी दिखे। और रात के टाइम पर ज़्यादा मैं व्यूज तो नहीं दिखा सकूँगा, तो ये हाईवे का जो व्यू है स्ट्रीट लाइट और सब वही आपको दिखेगा, नहीं तो दिन के टाइम पे ये सब तो क्या दिखता था, मतलब पूरा खाली जगह है ना, खुली जगह है, देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो, खुली जगह है तो हरा हरा पूरा अच्छा लगता था। बट ठीक है, आएंगे फिर कभी आएंगे दिन में, तो अभी फिलहाल रात का जो व्यू है ये हाईवे का व्यू है, अभी मैं कट और ये सब करके वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बोरियत नहीं लगे आपको, और आज भी ठीक ठाक चलते रहे। आधे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो सीधे रस्ते पे ख़त्म हो जाता है कॉन्फिडेंस, ये तो दोनों रस्ते पर क्या आदमी मस्ती मजाक कर लेता है थोड़ा बहुत, ऐसा है कि हाँ सवाल लेके सूखा रस्ता है थोड़ी होएगा, लेकिन मेरे को तो बहुत डर लगता है गीले रस्ते पे, और इतना दूर जा रहा हूँ भिवंडी तक, तो देखो ठीक है फिर थोड़ा आगे मिलता हूँ, किलोमीटर बता दूँ तो 18.6 और आगे मिलते हैं अभी आपको। किलोमीटर बताओ तो 25 किलोमीटर हुआ है, बहुत दूर जाना है, पूरा रास्ता नहीं पता होगा, अभी भिवंडी में मिलता हूँ और वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ कि कितना किलोमीटर हुआ है, और जब वहाँ से निकलूँगा फिर वापस ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम देख लो 12:05 और जो किलोमीटर है वो 26.1 12:05 AM। तो अभी जैसा देख सकते हैं कि रास्ता खाली है और सूखा है, तो जो सूखा रास्ता है ना इस पर एक अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो जो काटा है वो अपने आप थोड़ा सा ऊपर हो ही जाता है। तो
जैसा आप देख सकते हैं किलोमीटर्स में, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं बता देता हूँ 44 किलोमीटर हुए हैं और ऑलमोस्ट आ गए भिवंडी। और यहाँ थोड़ा सा एक जाम था, तो रीज़न ये है बताने का और इस टाइम पे कैमरा ऑन करने का कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपने देखे होंगे कि स्टार्ट कैसा हुआ था। बाइक स्लो चल रही थी, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड किए लाइक 70-80-85 ये स्पीड में गए, थोड़ा थोड़ी सी ट्रैफिक भी आई है तो ये भी दिखा रहे कि मतलब ऑलमोस्ट रात का टाइम है। वैसे तो टाइम अगर बताऊँ तो 12:36 है और इस टाइम पे भी ऑलमोस्ट हर टाइम पे रोड रास्ते देख लिए, ट्रैफिक में स्टॉप स्टार्ट स्टॉप भी हुआ, मतलब बाइक नहीं लेकिन आगे बढ़ना रुकना, थोड़ा हाईवे पे खींचे लिए भी, जैसे ये भी थोड़ा रास्ता है खींच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन माइक नहीं है ना तो हवा ज़्यादा है, इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि बात करते टाइम एटलीस्ट थोड़ा स्लो रहे भाई। और अभी देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ जाना है, निज़ामपुरा चांदारा मस्जिद और उसके बाद थोड़ा सा और अंदर, तो देखते हैं कितना किलोमीटर पे पहुँचते हैं उधर अपन। तो भिवंडी पहुँच गए और ये आप देख सकते हैं मतलब यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस चांदारा मस्जिद है ये। अच्छा आप चांदारा मस्जिद के पास आए हैं तो जहाँ जा रहे हो बता देते हैं, वो शायद मालूम पड़ गया होगा कहाँ जा रहे। ये लोग क्यों भौंक रहे यार, एक तो लोग टेंशन देते हैं। हाँ तो जा रहे हैं छोटे मियाँ गोट पम्प। देखो यहाँ से अंदर है यहाँ तो मेरे को याद है, हाँ ये चांदारा मस्जिद से थोड़ा आगे आना है, यहाँ से अंदर ये गली में है। तो इधर बाइक लगाते हैं आपको किलोमीटर बताते हैं कितने हुए और फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं किलोमीटर 54.2 हो गए, अब इतना ही रिटर्न भी समझो तो 500 बोल रहा हूँ 110 किलोमीटर समझो रिटर्न होएगा। फिर फुल करा के देखते कितने का पेट्रोल आता है, क्या एवरेज दिया, और एवरेज अगर लाइव एवरेज बताऊँ अभी का तो 38.5 का दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना एक्यूरेट है या नहीं आज मेरे को भी मालूम पड़ेगा चेक करके। तो अभी 12:56 यहाँ पहुँचे, अब देखो शूट करके कब निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको मिलता हूँ वापस बाइक पे। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 2:51 और किलोमीटर्स अगर भूल गए हो तो बताओ, वैसे तो एक सेकेंड का कटता आपके लिए, मेरे लिए 2 घंटे का रास्ता था या 2 घंटा लगा है, सॉरी 54.3 किलोमीटर्स, ठीक है। और अभी तक एवरेज मिला है 38 का, ठीक है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते बम्बई जाते वापस पेट्रोल पंप तक, फिर बता दो आपको कितना टोटल एवरेज आ रहा है। चलो भाई ठीक है, तो अभी आपको आगे जाके दिखा दे, तब तक आप थोड़ा सा भिवंडी देखिए गली गली में से जो निकला जा रहा है। हाँ भाई यहाँ से बाहर निकले और शूट बहुत अच्छा हुआ, मोस्टली आप लोगों ने वो वीडियो तो देखे ही होंगे कि जो शूट हुआ है तो क्या सीन था और कैसे लगे बकरे वो भी बताना कमेंट में। और अगर कोई बाइक वाला देख रहा है जिसको सिर्फ बाइक के एवरेज से मतलब है और एवरेज ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए ये रेफरेंस है कि जैसा आपको नाम जैसा आपने नाम देखे होंगे अल मेहताब गोट फार्म, तो जो मेन है वो बकरे का चैनल ही है, लेकिन इस पर मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाती है क्योंकि फार्म शूट्स या इस वजह से निकलना पड़ता है बाहर, तो थोड़ा मोटो ब्लॉग भी उसमें हो जाता है, तो यही है। और अगर आप भी स्टॉम लेने का सोच रहे हो मेरे भाई तो ले लेना, क्योंकि बाइक बहुत एंड है, आपको बहुत मज़ा आएगी ये बाइक चलाने, और एवरेज तो आपको बताई गई कि कितने का एवरेज है और क्या हो रहा है सीन। मेरे को यहाँ से बाहर निकलने दो, ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको हाईवे पे मिलता हूँ भिवंडी के ब्रिज पे, हाईवे पे नहीं भिवंडी के ब्रिज पे मिलता हूँ आपको। तो ये जो लाइट बता रहा था शायद उड़ गई, क्योंकि अब देखो ये जो स्विच है अगर पहला ऑन करेंगे तो दोनों
येलो लाइट से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है, लेकिन अब जब दूसरा करेंगे तो वाइट होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे वाइट आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसमें देखो गार्ड पे रिफ्लेक्शन तो वाइट है, यहाँ पे येलो है, अब यहाँ पे वाइट क्यों नहीं है? या तो लाइट उड़ी है या तो वायरिंग, ये देखो अभी वाइट हो गई, अभी वीडियो में ही हुई ना, ये मेरे हिसाब से वायरिंग का कुछ है मसला। ये मैं कल दिखाता हूँ एक बार आके कि क्या इशू है, क्या वजह से ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, अब चालू है तो रहने देते, कुछ करते नहीं है। किलोमीटर्स अगर बताऊँ तो 61 किलोमीटर हो चुके अब तक, और ऑन द वे जा रहे हैं। ये एक चीज़ अच्छी है कि रोड जो है वो देखो गीले नहीं है अभी, तो वापस से कॉन्फिडेंस आ गया है, ये थोड़ा भगा सकते हैं, थोड़ा ये देखो एक हाथ से चला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। यही रास्ता गीला हो गया अगर तो ये सब नहीं होता मेरे से, नो नो नो। दिन होता ना दिन, क्या व्यू आता था सामने, तो पूरा खुला खुला है, एक नंबर, बहुत मज़ा आती थी मेरे को भी चलाने, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी दिखता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, एवरेज से रिलेटेड नहीं है, बाइक बहुत क्या है दोस्तों, बाइक बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा ये नॉर्मल सी बात है कि 50-60 किलोमीटर में नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं स्कूटी चलाता था गवर्नमेंट 6 साल, मैं स्कूटर पे भी आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मालूम है उस पर कैसा होता था, और अब जब इस पर आते तो अब कैसा होता है। ये कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 50-55 किलोमीटर ही है सिर्फ। लेकिन यूजली क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो राइडर्स नहीं होते। ये देखो फिर येलो हो गए, फिर वाइट हो गए, तो ज़्यादातर लोग राइडर्स नहीं होते, तो उनको इतना मतलब जो सिटी सिटी में ही चलाना है ना, उसी में इतनी थकान हो जाती है कि उनको ऐसा होता है कि बस अच्छी है कोई बाइक हो, अगर कोई देख रहा है तो अच्छी बाइक है ले सकते हैं। बल्ब में ओनर बता रहा है आपको कि कैसी है। टाइम देखो तो 3:08 हो गई, तो मुमरा टोल आ गए। और एक सवाल है आप लोग से पूछना है कि ये सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कहीं से रिटर्न आ रहे होते तो रास्ता बहुत जल्दी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब आ गए, रास्ता बहुत जल्दी ख़त्म होता है, जाने के टाइम रास्ता ख़त्म ही नहीं होता है, और जब रिटर्न वापस जा रहे होते तो रास्ता बहुत जल्दी ख़त्म होता है। ये मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत फेमिलियर जगह आती है, और ऐसा होता है कि आप तो यहाँ आ गए, उसके बाद ऐसा है मालूम रहता है कि कितना टाइम और है, ये रीज़न हो सकता है इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो वही एक रीज़न है, बाकी अगर किसी के पास और कोई वो है एडवाइस सुझाव कि ऐसा क्यों होता है तो वो बता सकते कमेंट सेक्शन में नीचे। टाइम भी अगर देखो तो ऑलमोस्ट 4:56 तो घर जाना है, दोनों वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करना है, और ऐसा नहीं कि अपलोड करके बस हो गया, पूरा जब तक कंप्लीट अपलोड नहीं होएगा, सारे टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होते, जब तक जागना है देखना है, जब एक बार रेडी टू वॉच हो गया बस फिर अभी यही पंप पे स्टार्ट हुआ था, इधर खड़े खड़े बनाया था वीडियो, और अभी इधर आए फुल कराएंगे आपके सामने, फुल करो फुल। ऐसे डालना है पेट्रोल उसमें, कैमरा सेकंड हैंड में नहीं आएगा, मिलेगा ना सेकंड हैंड में तुमको, कितने तक मिल जाना चाहिए? अब मॉडल के ऊपर है, न्यू मॉडल का अभी का न्यू मॉडल का निकला है, न्यू मॉडल का तो मालूम नहीं यार, ज़्यादा महंगा आएगा ना, जाने दो थोड़ा और जाने दो, कोई बोले थे ना, हाँ करो ना, 99 रुपये मार दिया, 99 लीटर मारना चाहिए, अमाउंट दबा।
अच्छा लीटर है और ये अमाउंट में दबा के 99 लीटर मारा 99 लीटर हो जाता है, गलती से अमाउंट दब गया 100 रुपये का अभी समझो 99 रुपये गया। कितना लीटर होगा 99 में? 99 में आपका वही तुम्हारा एक लीटर में 3 पॉइंट कम रहेगा, 4 पॉइंट कम वही हो गया, 3 लीटर गया। हाँ रंग फुल हो गया यार। हाँ बस बस इतना ही करना पड़ा। ये देख सकते हैं कितना गया है, 206 रुपये का, और पहले 99 का 306 रुपये मारे, 305 रुपये का पेट्रोल गया है। कितना लीटर आया 305 में? वही तुम्हारा 3 लीटर में वही थोड़ा कम गया होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 300 रुपये का पेट्रोल गया है, 306 108.5 किलोमीटर चली है। तो अब इसको अगर डिवाइड करें तो कितना होता है यार, देखो उसने गड़बड़ कर दिया ना, अगर गड़बड़ नहीं करता तो 108 पॉइंट कितना है, 108.5। अब रफली पकड़ते हैं कि 2.80 लीटर गया होगा, ठीक है 2 लीटर 80 समथिंग डिवाइड बाई 2.80, 38.75 का एवरेज पकड़ो, और इधर देखिए तो 38.1 सही है, वो भी मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही बता रहा है यार, उसमें आपने देखे भी होंगे वीडियो में जितना मैंने भगाया हूँ कह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इतना एवरेज ऐसे लुक्स पे बहुत अच्छा है, अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि मैं रात में शूट हो रहा है, तो इतना एवरेज ऐसे लुक्स पे बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो सेटिस्फाइड। 250 cc का इंजन है, पावर अच्छा है भाई, वाकई अच्छी है, लुक्स में अच्छी है। ये आगे ले रहा है, देखो ना यहाँ से लाइट आएगी, तो देखो दिखने में अच्छी है भाई। नहीं बताओ तो सही है ना, 38.1 इसका वर्थ है मेरे हिसाब से तो, अच्छा अच्छा है, नाइस। तो अभी यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था, यहीं पे ख़त्म करते, घर जाऊँगा वीडियो एडिट करूँगा अपलोड करूँ, तो वीडियो देखना वो भी ये भी इससे पहले वाली भी जितनी अपलोड कर रहे सब देखना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।